प्रदेश महिला कांग्रेस की आज एक्सटेंडेड कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें AICC के महिला अध्यक्ष सुष्मिता देव जी और प्रदेश की अध्यक्ष चारुलता फुकस जी और उनके सभी पदाधिकारी राज्य भर से उपस्थित थे। आने वाले असेंबली के चुनाव को लेकर के उसकी तैयारी के संदर्भ में आज ये बैठक थी। महिलाओं को मार्गदर्शन किया गया, उनको ये बताया गया कि जो भाजपा जिस तरकीब से प्रचार कर रही है और मुल्क के अंदर देश के अंदर एक पोलराइजेशन का माहौल क्रिएट कर रही है, हर मुद्दे के ऊपर माइनॉरिटीज़ के मुद्दों को ऐसी बातों को लेकर के हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने का जो उनका प्रयास है उसके संदर्भ में थोड़ी सी मालूमात लोगों को महिलाओं को देने का प्रयास किया गया। जिस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट अगर किसी ने लाया था तो वो कांग्रेस ने लाया था, हिंदू मैरिज एक्ट हो या मुस्लिम शरीयत का मुस्लिम मैरिज एक्ट हो, ये किस तरह से सिमिलर है और सारे कोर्ट्स के अंदर जुडिशरी के अंदर मुस्लिम महिलाओं को कोर्ट में जाकर के प्रोटेक्शन मिलने से लेके तो डिवोर्स तक के ये सारी इंतज़ाम मौजूद है, मगर उसके बावजूद शरीयत के ऊपर उंगली दिखाना और ट्रिपल तलाक की बातों को लेकर के कम्युनिटी में एक तो मुस्लिम कम्युनिटी को एक अलग खड़ा कर देना और एक पोलराइजेशन करने का एक प्रयास जो है वो BJP कर रही है। कांग्रेस की भूमिका ट्रिपल तलाक का एक्ट बनाने के विरोध में नहीं है। कांग्रेस की भूमिका ये है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स के संदर्भ में अगर पुरुष को 1 साल की सज़ा है तो फिर क्यों आपने नए कायदे में सिर्फ मुस्लिम पुरुषों को 3 साल की सज़ा रखी। एक दूसरा कि अगर वो पुरुष जिसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है वो जेल चला जाएगा तो उस परिवार का, उस घर का, उस बीवी का देखरेख कौन करेगा, उसका खर्चा पानी कौन देगा। इन दो मुद्दों के ऊपर BJP के पास कोई जवाब नहीं है और वो सिर्फ हमने महिला मुस्लिम महिलाओं को बहुत बड़ा न्याय दिया है इस तरह की बातें करके ये हिंदू समाज को दिखाने का उनका ये प्रयास है कि मुस्लिम महिलाओं पर बहुत सारे अत्याचार इस देश में हो रहे हैं, जबकि पूरे देश में 25 लाख डिवोर्स के केसेस हिंदू महिलाओं के पेंडिंग है, 1 लाख से ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हिंदू महिलाओं के पेंडिंग है, सेपरेशन के लाखों मिसालें, लाखों केसेस सेपरेशन के जहां पे पुरुषों ने अपनी महिलाओं को, पत्नियों को छोड़ दिया है, ऐसे लाखों केसेस हिंदू समाज के अंदर है, मगर इस पर कोई चर्चा नहीं की जाती है और सिर्फ चर्चा और कायदा बना करके हिंदू मुस्लिम डिवाइड डिवीजन करना, पोलराइजेशन करना, ये मुद्दों को उजागर किया जाता है। ठीक है, और क्या मुद्दे होंगे कांग्रेस को इस बार विधानसभा में लेकर क्या उतरेगी? नहीं, यही सारे मुद्दे हैं जो मुल्क के अंदर पोलराइजेशन करने का जो प्रयास है, तो शरीयत के मुद्दों को लेकर के, ट्रिपल तलाक को लेकर के इस तरह की बातें करके समाज के अंदर दुविधा निर्माण करना और हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा करना, तो ऐसे समय में कांग्रेस के वर्कर ने जो हकीकत है वो लोगों तक के पहुंचाना जरूरी होता है, इसी के ऊपर मार्गदर्शन उनको किया। ठीक है, आप जो लोग कांग्रेस से जुड़ रहे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो निचले स्तर पर काम कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस तरह से काम कर रहे हो? पार्टी का वर्कर जिस तरह से काम करता है, बूथ लेवल पे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स होते हैं तो उनको डोर टू डोर जाना, लोगों से जनसंपर्क करना, बूथ कमेटी को मजबूत करना, इस तरह का मार्गदर्शन किया गया है।